हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे वन प्लस ने बास एडिशन के साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। मतलब वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ है जो कि असल में उसमें नहीं प्रेजेंट है, और वो है क्विक स्विच फीचर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वन प्लस का वायरलेस जी फर्स्ट एडिशन आया था वो काफ़ी अच्छा था, लोगों ने काफ़ी प्रेज़ किया, और उसमें एक क्विक स्विच ऑप्शन था जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया। पर फर्स्ट वर्जन में बास की थोड़ी सी कमी थी, तो उन्होंने नया वर्जन निकाला बास एडिशन नाम से, सेम प्राइस पर, बट इसका जो बास है उसको री इंजीनियर किया है, ऐसा वन प्लस क्लेम करता है। पर इस बास के बदले में उन्होंने एक चीज़ निकाल दी, वो था क्विक स्विच बटन, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर था, और काफ़ी लोग इसी फीचर की वजह से इस ईयरफोन को ख़रीद रहे थे। अब काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि बास एडिशन में वो क्विक स्विच बटन आया ही नहीं, और उन्होंने ईयरफोन ख़रीद लिया और बाद में उन्हें पता चला कि भाई इसमें तो क्विक स्विच बटन है ही नहीं, और फिर वो मतलब अब क्या ही कर सकते हैं जब ले चुके हैं। तो कुछ लोग थोड़े समझदार थे, उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया और जाना कि इसमें क्विक स्विच बटन नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें वन प्लस की वेबसाइट पर, तो वो कहते हैं कि इसमें क्विक स्विच बटन नहीं है, लेकिन क्विक स्विच फीचर ऑन बास एडिशन बिहेव्स डिफरेंटली। इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल फंक्शन यूजर विल बी एबल टू स्विच बिटवीन थ्री पेयर डिवाइसेस इंस्टेंटली। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं क्विक स्विच का बटन नहीं है, लेकिन आप स्विच कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो इसमें बताया नहीं है, बस इसमें लिखा है कि सेलेक्टिंग बास एडिशन अमंग ब्लूटूथ सेटिंग ऑन सेट पेयर डिवाइसेस। ठीक है, अब लोग खुश हो गए कि चलो भैया स्विच तो हो रहा है, भले बटन नहीं लेकिन क्विक स्विच ऑप्शन है, अवेलेबल है। अब लोगों ने ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद पता चला कि भाई स्विच तो इसमें होता ही नहीं है, कैसे होगा कोई स्विच, किसी को नहीं पता। ठीक है, मेरे को भी समझ में नहीं आया, ये एक रहस्य है, सब लोग अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस दे रहे हैं, बट इसमें असल में क्विक स्विच नहीं है। आप क्विक स्विच नहीं कर सकते, आपको वही ट्रेडिशनल मेथड अपनाना पड़ेगा, एक डिवाइस से डिसकनेक्ट करो और फिर दूसरे डिवाइस में ले जाकर मैनुअली कनेक्ट करो। ठीक है, अब देखिए कैसे बेवकूफ़ और बनाया। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि आप स्विच कर सकते हैं बाई सेटिंग सेट पेयर डिवाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई है कि ये ऑप्शन एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ वन प्लस के फ़ोन्स में ही अवेलेबल है, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रीन को, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ छोटा सा कुन्ने में एक जगह पर उन्होंने मेंशन कराया है, बहुत छोटा सा, ये देखिए छोटे छोटे डिस्क्लेमर लिखे हैं, बहुत छोटे, जो कोई देखता भी नहीं है देख भी नहीं पाएगा। नंबर 6 पढ़िए, द क्विक स्विच फीचर इज सपोर्टेड ऑन एनी वन प्लस स्मार्टफोन डिवाइस रिलीज्ड आफ्टर वन प्लस 60। मतलब वन प्लस 60 के बाद जो वन प्लस डिवाइस आए हैं सिर्फ उसी में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके अलावा कोई और फ़ोन आपके पास है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया है वन प्लस ने। क्या डब्बा तो बहुत अच्छा है हमेशा की तरह, डिवाइस भी सही है, डिवाइस भी बहुत अच्छा है, लेकिन यार इस तरह से ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए ना, कि जो चीज़ नहीं है आप कह रहे हो कि वो है, और ये भी क्लियरली नहीं मेंशन कर रहे हो कि इसको यूज़ कैसे करना है, और सिर्फ वन प्लस के फ़ोन में ही इसे क्विक स्विच यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसमें चलता है या नहीं चलता है मुझे भी नहीं पता, तो जिसके पास है भाई वो देख के बताना। ठीक है।